हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के दशम श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। भगवान आज हमें कुंडलिनी शक्ति और उसकी जागृति के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। वन हु एट द टाइम ऑफ डेथ फिक्सेस हिज लाइफ एयर बिटवीन द आईब्रोज एंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ योगा विद एन अनडिविएटिंग माइंड एंगेजेस हिमसेल्फ इन रिमेम्बरिंग द सुप्रीम लॉर्ड इन फुल डिवोशन विल सर्टनली अटेन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो हम देखते हैं पांचवें श्लोक में इस अध्याय के भगवान ने कहा है कि जो भी मुझे याद करते हुए अपने प्राणों को त्यागेगा अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। तो भगवान बताते हैं कि अंतकाल में उनका स्मरण कैसे किया जाना चाहिए। उसका एक ऑप्शन उन्होंने कहा, मय्यार्पित मनोबुद्धि। यस, श्लोक क्रमांक 7 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनोबुद्धि। कृष्णा गिव्स अ सेकेंड वे टू अचीव हिम। टुडे ही सेज, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च एव। भक्ति है और योग है, दोनों भी हैं। कैसे? सो वन वे इज दैट ध्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक, अर्थात जो व्यक्ति अपने प्राणों को अपने शरीर में कुंडलिनी के जागृति से उठा करके अपनी भौहों के बीच में लेके जाता है और मृत्यु के समय में उसके अगर प्राण उसकी भौहों के बीच में हैं तब वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। सो वन वे इज तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। Somebody who is attached to working, always remember me and work, just like Arjuna did. For somebody who is more inquisitive to sit at one place and meditate, yes. So, Krishna says, Bhruvor madhye pranamavesh samyak, apni kundalini ki jagruti se apne atma ko, apne prano ko, दोनों भौहों के बीच में लेके आइए। सो वी सी, ये जो कड़ी चल रही है हमारी 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, ये चार श्लोकों के का जो सबसेक्शन है, यहाँ पे भगवान योग और भक्ति दोनों के समन्वय के बारे में बताते हैं। योग ध्यान, ध्यान योग और भक्ति योग दोनों का समन्वय है यहाँ पे। भक्ति को यहाँ से निष्कासित नहीं किया जा रहा, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति युक्त योग बल। एसेंस इज दैट अनलेस देर इज भक्ति, ओनली ज्ञान और ओनली योग, या ओनली ज्ञान या ओनली ध्यान विल नेवर टेक अस बैक टू गॉड हेड। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, कृष्णा इज मेड इट एम्पली क्लियर इन प्रीवियस टाइम्स ऑल्सो। आगे भी भगवान निश्चित रूप से बताएंगे, बिना भक्ति के, बिना सेवा की इच्छा के भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। सो एज डिवोटीज वी डायरेक्टली follow the final commandment of Krishna, yes, which Krishna gives in 18th verse. जब हम 18वें अध्याय पे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
तो सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो, गिव अप सो कॉल्ड रिलीजन, जस्ट सरेंडर अन टू मी. सो अ डिवोटी रादर दैन टेकिंग योग एंड भक्ति टुगेदर, ही टेक्स एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ भक्ति. बिकॉज अल्टीमेटली इवन इन योग और ज्ञान, विदाउट भक्ति देर इज नो सेल्वेशन, देर इज नो मुक्ति. बिना भक्ति के इस भौतिक संसार से पार पाया नहीं जा सकता. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे.